वाह, अरे अमृता तुम ऐसे अचानक? हाँ सोचा आपको सरप्राइज दे दूँ। वाह व्हाट अ सरप्राइज। वैसे दीदी कहाँ है? अरे वो तो बाहर है। ओ नो, मैं तो उनको सरप्राइज देने के मूड में थी। अरे कोई बात नहीं, तुम बैठो। अरे मैं बैग ले लेता हूँ। वैसे क्या लोगी, चाय? क्या जीजू, आप भी बूढ़ों की तरह चाय कॉफी पूछ रहे हो, वाइन नहीं है क्या? वाइन? अरे मुझे पता होता ना कि तुम वाइन पीती हो तो पहले से लाके रखता। वैसे एक बात तो है, तुम वीडियो कॉल में ना बिल्कुल बच्ची लगती हो, लेकिन सामने से बहुत बड़ी लगती हो। 18 साल की हो गई हूँ, पूरी एडल्ट। हाँ वो तो दिख रही हो। वैसे आइटम लग रही हूँ ना, इसमें कोई शक? देखो जीजू, रात में मुझे दीदी समझ के कहीं पेल मत देना। हाँ अरे यार तुम इतनी बिंदास हो। As usual। वैसे दीदी कहाँ गई? तुम्हारी दीदी गायनेकोलॉजिस्ट के पास गई हैं। कोई खुशखबरी है? अरे ना बाबा, खुशखबरी नहीं है, इसीलिए तो। क्या जीजू, आप जोर नहीं लगाते हैं क्या? वायग्रा लीजिए और लग जाइए काम पे। यार तुम कुछ भी बोलती हो। जीजू 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 जीजू, सॉरी जीजू, आप गुस्सा हो गए, मैंने छोटा सा मजाक किया। वैसे आपके मर्दानगी पे मुझे कोई शक नहीं, आप तो गबरू जवान हो। मैं फ्रेश होके आती हूँ। अच्छा जीजू, मैं एक हफ्ता रुकूंगी, मेरी मजाक की आदत डाल लो। अरे एकदम बिल्कुल पागल लड़की है। हाँ अरे शर्मा जी, अरे दूसरी फाइल पहुंच जाएगी, थोड़ा सा टाइम लग रहा है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ जीजू? एक मिनट। हाँ देखो शर्मा जी, क्या है ना, मेरी साली आई हुई है। हाँ ठीक है शर्मा जी, मैं बाद में बात करता हूँ। बोलो। ये टेस्ट वैसे कुछ नहीं होने वाला, मेरी बात मानो आप, एक हफ्ते के लिए दोनों हनीमून के लिए फिर से चले जाओ आप, देखो काम होता है कि नहीं। हाँ तुम्हारे जैसे 4-5 लोग और हो जाए ना, तो ये जो गायनेकोलॉजिस्ट है ना, ये इनकी दुकान ही बंद हो जाएगी और टूरिस्ट और होटल वालों का चल जाए। ये तुमने सही कहा। वैसे एक बात बताओ, तुम्हारा कॉलेज कैसा चल रहा है? अच्छा ही चल रहा है। तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? नहीं। आई डोंट बिलीव इट कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। कसम से, जैसा चाहिए वैसा मिलता ही नहीं है। वैसे तुम्हें किस टाइप का लड़का चाहिए? आप जैसा। अरे जीजू संभालो। वैसे सच कहूँ तो जब आप दीदी को पहली बार देखने आए थे तो मुझे ऐसा लगा दीदी के बदले मैं आपसे शादी कर लूँ। अगर तुम हाँ करती तो मैं भी कर लेता। सच में? सच्ची मुच्ची। वैसे अभी भी मौका है। किस बात का? मुझसे शादी करने का। मतलब तुम ये बोल रही हो कि तुम्हारी दीदी को डिवोर्स दे दूं? अरे नहीं नहीं, दीदी को आप बीवी बना के रखो, मुझे सीक्रेट बीवी बना के रखो। ये सीक्रेट बीवी क्या होती है? बिन बिहाई बीवी। ये तो बिल्कुल फ्लॉप आइडिया है। कैसे? अगर तुम्हारी दीदी को पता चल गया ना, तो ना बचेगी साली ना बचेगी घरवाली, समझ में आया? अरे शर्मा जी, मैंने आपको फाइल भेज दी है, आपके टेबल पर रख दी है, एक बार चेक कर लीजिए। क्या छोटी छोटी बातों के लिए आप कॉल करते हैं? और वैसे भी मैंने आपको बोला था ना कि वो जो दूसरा क्लाइंट है ना, वो बहुत परेशान करता है। नहीं नहीं, मैंने तो मेल कर दिया है सर को, अब देखते हैं सर क्या रिप्लाई करते हैं। हाँ ठीक है ठीक है, एक काम कीजिएगा, मैं कुछ टाइम के बाद आपको कॉल करता हूँ, फिर बात करते हैं। ओके। तो आ गई तुम। अच्छा डॉक्टर ने क्या बोला? कुछ नहीं, कुछ टेस्ट करवाए हैं, रिपोर्ट आने के बाद ही ट्रीटमेंट शुरू होगी। अच्छा। अंदर कौन है? तुम्हारी बहन। कौन? अमृता। तो और कौन? अचानक
मैं तो सब जगह अचानक ही आ जाती हूँ। अम्मू माँ ने तो कुछ बताया नहीं? क्योंकि माँ को ही नहीं पता, मैं अभी फोन करके बताती हूँ कि मैं तुम्हारे घर पर हूँ। अम्मू ऐसे बिना बताए घर से बाहर नहीं जाते, अब तुम बड़ी हो गई हो और बाहर अच्छे लोग नहीं होते। शुरू हो गई, तुम तो माँ से भी बड़ी बुढ़िया हो। अरे जीजू तुमने भी क्या इस बुढ़िया से शादी कर ली, मुझसे शादी कर लेते। अरे तुम हाँ तो करो, अभी वकील को बुलाकर तुम्हारी बहन को डाइवोर्स देता हूँ। तुम इसको समझाने की वजह सर पे चढ़ा रहे हो। बाबा नाराज क्यों हो रही हो? अभी वो नादान है, कुछ दिनों में समझदार हो जाएगी। अभी तो वो कॉलेज जाना शुरू की है, अब थोड़ी बहुत तो उसको आजादी दो ना। मैं घर से क्या निकल गई, तुम तो अपनी मनमर्जी करने लगी। ना तो तुम्हें कोई रोकने वाला है ना कोई टोकने वाला, तुम तो पूरी आजाद हो गई। दीदी मैंने तुम्हारे लिए लस्सी बनाई है, लस्सी पियो और ठंडी हो जाओ, मैं अभी लाती हूँ। बाबा तुम्हारी बहन है, तुम समझो। मैम साहब सॉरी, मैं बर्तन धो के आता हूँ। हाँ अर्चू बेबी, अर्चू बाबा ये क्या नाइटी पहन के घूम रही हो, फिर से मूड बन गया है? हाँ तो फिर ऑफिस नहीं जाना है? नहीं तबीयत ठीक नहीं है। तो डॉक्टर के पास जाकर आओ। डॉक्टर के पास जाकर मैं तंग आ गई हूँ। अरे बाबा तुम हौसला रखो, सब ठीक हो जाएगा। तुम गायनेकोलॉजिस्ट के पास गई थी ना? मैं शाम को आता हूँ, फिर हम अच्छे रेस्टोरेंट में जाके खाना खा के आते हैं, ठीक है? अब मुझे लेट हो रहा है, मैं निकलता हूँ। चलो ख्याल रखो। हाँ चलो बाय। क्या प्रोग्राम है आज का? यार आज तुमने फिर शर्ट इस्त्री नहीं की है और ऑफिस जाने का प्रोग्राम है और क्या? क्या आप दोनों मुझे घर पे अकेला छोड़ के जा रहे हो? क्यों, तुम्हारा फोन तुम्हारे पास होगा, अपने दोस्तों को तंग करते रहना। जीजू मैं भी आती हूँ आपके साथ आपके ऑफिस में। अच्छा मेरे ऑफिस में आके मेरे कॉलीग के सामने मेरा मजाक बनाना है? नहीं आपके बॉस को पटाऊंगी और आपको प्रमोशन दिलाऊंगी। नो थैंक्स, ये सर्विस ना अपनी बहन को देना। हेलो हेलो हेलो, हाँ क्या रिपोर्ट आई है? सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ ठीक है, मैं अपने हस्बैंड से जल्द बात करके बताती हूँ जी। क्या हुआ? डॉक्टर का फोन था, बोल रहे थे कि गर्भ की थैली में कुछ प्रॉब्लम है, एक छोटा सा ऑपरेशन करना पड़ेगा, 2-3 दिन अस्पताल में ही रहना होगा। हाँ तो कब करवाना है ऑपरेशन? जल्द से जल्द। हाँ तो एक काम करते हैं, कल के कल तुम डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लो और कल ही के कल ऑपरेशन करवा लेते हैं, मैं 2-3 दिन मैनेज कर लूंगा। हाँ दीदी चिंता मत करो, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी, आप बेझिझक होकर अपना ऑपरेशन करवा लो। हेलो, हाँ राकेश। अरे नहीं यार वो अर्चना का ऑपरेशन हो गया है तो 2-3 दिन लगेंगे, तो मैं 2-3 दिन नहीं आ पाऊंगा, तुम संभाल लेना। हाँ हाँ ठीक है रख बाय। क्या हुआ, कैसी है दीदी की तबीयत? ठीक है, कोई मेजर ऑपरेशन नहीं है, डॉक्टर ने कहा फाइब्रॉइड बढ़ गया है तो उसको काट के निकालना पड़ेगा, तो ऑपरेशन हो गया है, सब कुछ ठीक है। लेकिन ये नाइटी तो अर्चना की है। हाँ वो मैं शॉर्ट पैंट लेकर आई थी तो इसलिए मैंने ये पहन लिया। क्यों अच्छी नहीं लग रही हो क्या? नहीं नहीं बहुत अच्छी लग रही हो, एक नंबर।
ठीक है, चलो खाना खाते हैं। ठीक है। अरे अमृता निकलो ना बाबा, मुझे लेट हो रहा है ऑफिस के लिए। अरे जल्दी करो यार। हेलो, हाँ चुबे भी। अरे नहीं यार, अभी भी घर पे ही हूँ। ये अमृता कब से नहा रही है, ये निकलेगी तभी मैं ऑफिस के लिए निकलूंगा ना। हाँ नहीं नहीं बाबा, मैं अभी नहीं आ पाऊंगा, मैं शाम को आऊंगा। हेलो अमृता, अरे अचानक क्यों कॉल किया, क्या? अच्छा मिलना है, ठीक है मैं आता हूँ। हाँ तुम प्रेग्नेंट हो, तुमने प्रिकॉशंस क्यों नहीं लिया? देखो हम अभी भी ये अबॉर्शन करवा सकते हैं। मगर मैं नहीं करना चाहती। अरे यार तुम पागल हो क्या? अरे तुम्हारी दीदी को पता चल गया तो? अरे दीदी को छोड़ो, जब सारी दुनिया को पता चलेगा तब गजब होगा, पता है? कुछ भी हो मैं अपना बच्चा नहीं गिराऊंगी। तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो? तुम मुझे अच्छी तरह से जानती हो, जैसा तुम चाहती हो वो मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। मैं सीक्रेट वाइफ बन के रहूंगी बिना शादी के। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? जब तुम्हारा पेट बाहर आएगा तो सारा के सारा सीक्रेट खत्म हो जाएगा, और जब तुमसे दुनिया पूछेगी किसका बच्चा है किसका बच्चा है, तो बताते रहना। और क्या जवाब दोगी? देखो बचपना मत करो, बच्चे को गिरा देते हैं, आखिर उम्र ही क्या है तुम्हारी। मैं शहर से दूर रहूंगी, बच्चे को जन्म दूंगी, मैं कभी भी यहाँ पे मुंह नहीं दिखाऊंगी, मैं आपसे दूर रहूंगी। देखो यार तुम समझ नहीं रही हो, ये राजाओं महाराजाओं का जमाना नहीं है, जब एक राजा 20-20 रानियां रखता था। देखो सिर्फ एक ही दिन की बात है, अबॉर्शन करवा लो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम नहीं जानते मैं कितनी दुखी हूँ, मैं कितनी परेशान हूँ, मैं आप पे कोई आंच नहीं आने दूंगी। ठीक है तुम्हें जो करना है तुम करो, जो मुझे करना है मैं करूंगा। क्या बात है, आज तुम टेंशन में लग रहे हो, रेस्टोरेंट जाना भी कैंसिल कर दिया? अरे कुछ नहीं यार, एक प्रोजेक्ट को लेकर कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, बस उसी चक्कर में दिमाग खराब हुआ बैठा है। मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी, मगर ठीक है कोई बात नहीं, हम लोग कल बात करते हैं जब तुम टेंशन फ्री होगे। मैं
मैं सोने जाती हूँ, तुम जल्दी आ जाना। ठीक है। नहीं, ये अमृता का कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, वरना मेरे इज्जत का जनाजा निकाला जाएगा। नहीं। और पुलिस मुझे अंदर डालेगी, वो अलग। नहीं यार, अर्चना को क्या मुंह दिखाऊंगा, और ये परिवार, ऑफिस वाले, समाज, रिश्तेदार। नहीं, अगर अमृता नहीं मानी तो जबरदस्ती उसका अबॉर्शन करवाना होगा। मगर ये सलाह जबरदस्ती कैसे करूं? हाँ, एक ही रास्ता है, कुछ प्लान करके अमृता को खत्म करना होगा। हाँ, यही एक रास्ता है। हेलो। हाँ माँ, बोलो। अरे माँ, अर्चना सो रही है। माँ, उसकी तबीयत थोड़ी खराब है। यार माँ, अभी आप वापस शुरू मत कर देना। माँ, अर्चना को अगर बच्चा नहीं हुआ तो किसी बच्चे को गोद ले लेंगे। और क्या कहूं माँ, देख माँ, हर तरीके का इलाज करवा लिया, अब बस यही एक रास्ता है। यार माँ, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? अरे कहाँ नहीं गया, किसके पास नहीं गया, यहाँ जितने तांत्रिक ढोंगी बाबा हैं सबके पास जा चुका हूँ, अब कोई इलाज नहीं बचा है। यार माँ, ये खुद का खून कब तक का चलता रहेगा? माँ देखो, मैं अभी बहुत टेंशन में हूँ, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। अगर अमृता के बदले अर्चना को मार डालूं तो अर्चना मुझे बच्चा तो नहीं दे सकती, और अमृता के पेट में मेरा बच्चा है, मेरा वारिश। अर्चना के मरने के बाद अमृता से शादी कर लूंगा। चलो अर्चू, मैं चलता हूँ। जी। अच्छा सुनो, अगर ऑफिस के लिए तुम तैयार हो गए तो प्लीज मेरा एक काम करोगे? ओ, अमृता को गायब हुए एक हफ्ता हो गया है, उसका एक हफ्ते से कुछ भी पता नहीं चल रहा है, पता नहीं कैसी है, किस हाल में है। मैंने उसको कितनी बार मना किया है कि कभी घर से अकेली मत जाना, लेकिन उसने मेरी एक बात नहीं मानी। मुझे बहुत डर लग रहा है। डोंट वरी अर्चू, मैंने पुलिस स्टेशन में बात कर लिया है, उन्होंने बोला है खोज रहे हैं, जैसे ही अमृता मिलेगी वो हमें बता देंगे, टेंशन मत लो। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप? मैं पुलिस स्टेशन ही आ रहा था, वो अमृता का कुछ पता चला? हाँ। कहाँ है वो? अमृता। दीदी, हम्मू। मिस्टर राजीव,
मैं तुम्हें अमृता के कत्ल करने की कोशिश के जुर्म में गिरफ्तार करता हूँ। हाँ। तुमने इन पर जानलेवा हमला किया, इसकी वजह से ये एक हफ्ते तक हॉस्पिटलाइज्ड रहीं और इनका मिसकैरेज हुआ है, समझे? क्या बात कर रहे हैं आप, मिसकैरेज हुआ है? जी, राजीव के आपकी बहन के साथ नाजायज संबंध थे। हाँ? इसकी वजह से ये प्रेग्नेंट हुई और इन्होंने आपकी बहन को जान से मारने की कोशिश की, समझी? बता। दरअसल बात ऐसी है, उस रात मैं अर्चना को मारने गया और मैं अर्चना को मारने ही वाला था, फिर मैंने टेबल पर देखा अर्चना की मेडिकल रिपोर्ट और इस रिपोर्ट में देखा अर्चना प्रेग्नेंट थी। अब मेरे पास दो चॉइस थी, मैंने फैसला किया कि मैं अर्चना को नहीं मारूंगा और मैं मारूंगा अमृता को। अमृता की किस्मत अच्छी थी कि वो बच गई और मेरी किस्मत खराब थी कि मैं फंस गया। मिस्टर राजीव, मैं तुम्हें कत्ल की साजिश और एक लड़की को गुमराह करने के जुर्म में गिरफ्तार करता हूँ। चलो